Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Indian Medical Association ki Meerut ikai ne जनहित को ध्यान में रखते हुए 3 दिसंबर से IMA परिसर में OPD संचालित करने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक बार पंजीकरण कराने के बाद साल भर मरीज मेरठ के वरिष्ठ चिकित्सकों से परामर्श लेने की सुविधा ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र ₹10 रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी परामर्श निःशुल्क रहेगा। इस आशय की जानकारी शुक्रवार को IMA द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकाई अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन व सचिव तरुण गोयल ने दी। फर्स्ट बाइट और टीवी से वार्ता के दौरान डॉक्टर संदीप व डॉक्टर तरुण ने यह जानकारी दी। मैं डॉक्टर संदीप जैन, प्रेसिडेंट IMA मेरठ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर तरुण गोयल, इज द सेक्रेटरी IMA मेरठ। हमारी आज की जो ये प्रेस वार्ता है वो यह बताने के लिए है कि IMA मेरठ ब्रांच ने एक अनूठ पहल की है कि हम लोग IMA प्रांगण में एक निःशुल्क OPD सेवा स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि दिनांक 3 दिसंबर से प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। इस निशुल्क OPD की विशेषता ये रहेगी कि सिर्फ एक बार ₹10 का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो मरीज कितने भी दिन, चाहे वो सालों साल हो जाए, वो फ्री OPD किसी भी कंसल्टेंट से ले सकता है। यह कंसल्टेंट्स हमारे सारे IMA मेरठ के ब्रांच के मेंबर्स हैं और सब पोस्ट ग्रेजुएट MD MS डॉक्टर्स होंगे। यह भी प्लानिंग की है कि हफ्ते में 2 दिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अपनी सेवा यहाँ देंगे, और ये सेवा 365 दिन का मतलब संडे भी होगी और जिस दिन गजेटेड हॉलीडे उस दिन भी होगी, क्योंकि अक्सर उस दिन मरीज जो है, जनता है, उनको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं और डॉक्टर तरुण, हम लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जैसे ही हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेंगे, हम इस चीज़ को बहुत जल्दी और पहला प्रोजेक्ट करेंगे, और हमने इस प्रोजेक्ट को 25 अक्टूबर से लिया है और आज 40 दिन हो गए हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम सफल हुए हैं। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी जो ये पब्लिक के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए सेवा है, वो जन जन तक पहुँचे। और इस जो OPD में जो लोग डॉक्टर्स बैठेंगे, उसका पूरा एक हफ्ते का विवरण हम आपको देंगे कि अगले हफ्ते कौन डॉक्टर्स बैठने वाले हैं, उनकी स्पेशलिटी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार गरीब जनता, कोई भी जनता यहाँ पर आकर के उनसे कंसल्ट कर सकती है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो केवल परामर्श देंगे? जी, इसमें केवल परामर्श के लिए ही डॉक्टर रहेंगे, यहाँ कोई दवाई का वितरण नहीं होगा। मेन जो हमारी समझने की बात है कि ये इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सी गरीब जनता ऐसी है जो स्पेशलिस्ट तक ही नहीं पहुंच पाती, तो सुपर स्पेशलिस्ट को वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरह के लोग अवेलेबल रहेंगे, डॉक्टर्स जो कि स्पेशलिस्ट भी हैं और सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं, और ये सेवा हमारी निशुल्क रहेगी IMA प्रांगण में। क्योंकि पूरे इंडिया में किसी भी IMA के चैप्टर ने इतने बड़े लेवल पे इसकी शुरुआत नहीं करी है, और ये मेरठ पूरे इंडिया का पहला ऐसा चैप्टर होगा जो पूरे साल फ्री OPD देने की, जिन्होंने ये व्यवस्था पब्लिक के लिए बनाई है। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा चैलेंज एकदम से तो दिमाग में नहीं आया होगा, तो कैसे इसकी शुरुआत की आपने? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं और तरुण, हम लोग करीब 12 अक्टूबर के आसपास हम लोग इसमें चुने गए कि हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेंगे। और जब हम आपस में बैठे तो हमारे मन में यही विचार आया कि हम सबसे पहला प्रोजेक्ट को ऐसा लेंगे जो हम अपनी जनता, जो गरीब जनता है, उसके समक्ष IMA उनके साथ आएगा और ये दिखाएगा कि IMA आम जनता के लिए भी काम करती है। और ये सबसे अच्छा मिलेगा कि अगर हम हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को उसका कंसल्टेशन दे सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। और हम उसी समय से इसमें लग गए। हालांकि हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 5 नवंबर को बने हैं, लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट को तभी से स्टार्ट किया और आज 40 दिन के बाद हम लोग इसमें सफलता हम लोगों को मिली है इसको शुरू करने। इसके पीछे 1200 लोगों की पावर भी है, तो वही हमें वो पावर दे रहे हैं कि हम ये किसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसको एग्जीक्यूशन के लिए 1250 मेंबर्स की संस्था है, और 1250 मेंबर्स ने तुरंत इसमें सहयोग देने की बात की। केवल हम 2 लोग नहीं उसको डिसाइड कर सकते, 1200 लोग। ये तो हम लोगों का तो आइडिया होता है, और अगर सारे IMA के डॉक्टर्स इसमें जुड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेंथ कितनी अच्छी हो जाती है, और इस प्रोजेक्ट को हम आगे लगभग अनंत समय तक चलाते रहेंगे। इस फ्री OPD के अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी 3 तारीख से स्टार्ट होंगे।
इसमें पहला प्रोजेक्ट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भीड़ में, कहीं जिम पे, सड़क पर लोग बेहोश हो जाते हैं, उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उस समय डॉक्टर्स के पहुंचने में तो बहुत देर हो जाती है। यदि जो लोग इस बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में या फर्स्ट एड के बारे में जानते हों तो स्टडीज कहती है कि 60% लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो इस प्रोजेक्ट को भी आईएमए मेरठ ने लिया है। हम लोगों ने इसके लिए जो आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं और जो उसके वीडियोस का अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है और हम कोशिश करेंगे हर महीने 2 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अपने आईएमए प्रांगण में करेंगे जिसमें कि हम लोग पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, प्रेस मीडिया के लोग, जिम ट्रेनर्स को, बस के कंडक्टर्स को या इस तरह के जो भी आम जन है जो कि इस चीज़ को फेस करते हैं उन सबको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे जिसके अंदर लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है उनसे बकायदा, आर्टिफिशियल बॉडीज में ट्रेनिंग कराई जाती है कि कैसे आपको फर्स्ट एड देनी है एंड देन जिन लोगों ने उसको कंप्लीट किया उनको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिससे कि उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमको ये आता है करना और ये प्रोग्राम भी हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसके अलावा हमने तीसरा प्रोग्राम, हमने और प्रोजेक्ट लिया वो है पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर्स, यानी कि ये वो लेक्चर्स होंगे जैसे आमतौर पे हमारे जो मीटिंग्स होती हैं, सोशल मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम लोग 10 से 15 का टाइम, मिनट का टाइम लेंगे जो मीटिंग है और उसमें हम आम बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इन सब के बारे में उनको बताएंगे भी और इसके अलावा वो हम ये भी बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है क्योंकि प्रिवेंशन पे बहुत कम काम होता है। तो यदि ये हमारा प्रोजेक्ट भी चलेगा तो लोगों को बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी जानकारी होगी। ये प्रोजेक्ट भी हमारा इसी महीने से शुरू होगा। तो ये तीनों प्रोजेक्ट हम लेंगे और पहला हमारा लेक्चर जो है वो ट्यूबरक्लोसिस पे होगा, ये भी 3 तारीख को सुबह ही 10 बजे होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।